ভারত স্বাভিমান পতঞ্জলি যোগ মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে সূর্যনগরে ভেষজ চারাগাছ বিতরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের যোগ প্রশিক্ষক শুভ্র সুর, অঙ্কিতা যাদব, পল্লবী বাল্মীকি, পাউই দত্ত, অমিতা চাতরাজ এবং রাজীব লোকান ঠাকুর প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন। সরাসরি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন ভিটিভি বাংলা নিউজের পর্দায়। দিব্য ঔষধি পদা যে ইসকা নাম হ্যাঁ কালমেঘ। কালমেঘ হম লোক খুন সাফ করার জন্য ইস্তেমাল কর সকতে, ইসমে ভরপুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হ্যাঁ, ইসকা সেবন ভি জাদা নহীঁ করনা হ্যাঁ। জিসকা জো প্রবলেম হ্যাঁ উস প্রবলেম কে হিসাব সে ডোজ ইয়ানি মাত্রা জানকর ইয়ে সেবন করনা হ্যাঁ, নহীঁ তো ইসকা গলত উপযোগ করনে সে কুছ শরীর মে কুছ प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग जानते हैं इस औषधीय पौधा का गुण, ये है बंगला में तो इसको खारकॉन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इतना मुझे पता नहीं है। तो ये वाला पौधा जो है इसका पत्ता का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में और जड़ का भी। पहले मैं पत्ता का गुण बता देती हूँ। ये पत्ता जो है, ये पत्ता अगर पीस कर इसके साथ काली मिर्च कलुंजी, काली मिर्च नहीं कलुंजी और लहसुन, ये दोनों इसके साथ पीस कर इसको खाएं तो इससे हमारे शरीर में जो दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। और इसका जड़ का गुण, अगर कुत्ता अगर काट ले तो उस जगह पर इस जड़ को पीस कर उस जगह पर लेप दिया जाए तो ये बहुत बहुत काम करता है। ये है हमारे यहाँ पर, हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं सजावट के रूप में, ऑर्नामेंट्स प्लांट के रूप में हम लोग इसको रखते हैं घर पे। इसका औषधीय गुण अगर आप लोगों को पता चलेगा तो इसको आप और भी अच्छे से रखेंगे। इसका नाम है नागदोन, नागदोन पत्ता। किसी को अगर पाइल्स का समस्या है, अगर एक पत्ता और तीन काली मिर्च रोज 3 दिन लगातार इसका सेवन करे तो पाइल्स के प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। নয়নে জাগিছে করুণরা।